तय कर लिया भी असीं उत्थे जावांगे लगातार जिन्ने दिन भी असीं रहांगे असीं सारा परिवार रहांगे। सवेर दी गल जदों सवेरे असीं इकट्ठे सी सारा परिवार ते एक कमरे च बैठे सी दुध पीता वा नाल रस नूं सारे परिवार ने खाधे आ साडे पिता जी उहनां वी नाल ही खाधे आ। जदों मतलब असीं इह कहा भी चलो हुण नहाउण दा अपना नहा धो के आपां जथेबंदी च जाणा ते जिहड़ियां औरतां दी ट्राली जिहड़ी उह पहिलों तैयारी सी ते पिता जी इन्नी गल उहनां कहा भी चलो मैनूं ठंड जी महसूस हुंदी आ ते असीं आखिया भी रजाई इक होर लै लो कोई गल नहीं तुसीं ते उह मतलब गल्लां बातां साडे नाल हुंदियां रहियां। उदों मैं इहनां नूं आखिया भी कोई नहीं डाक्टर हैगे इत्थे छोटी मोटी गल हुंदी तुसीं दवाई दवूई लओ। तां जदों फिर बाद च फिर लगातार ही इहनां दा फोन आई जाए भी इह गल मतलब डैथ हो गई उहनां दी। मेरा नाम दलजीत सिंह गिल्लांवाली है, मेरा पिंड गिल्लांवाली है। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दे विच लगातार लंबे समय तो काम करदा आ रहा। तो असीं पहलों अपनी पिंड पद्धर ते भी इकाइयां बना के इत्थे भी काम किया। 10-15 साल तो असीं जुड़े हुए हैं जथेबंदी दे नाल। तो जदों असीं खेती कीता साडा छोटा वा उहदे करके असीं मतलब करदिआं करदिआं काम सानूं जिहड़ा काम इत्थे नहीं सी वारा खादा असीं फिर वो प्राइवेट जॉब करन चले गए उत्थे बठिंडा च। उत्थे भी असीं अपनी ग्राहां जथेबंदी दे नाल जुड़े सी, उत्थे भी असीं काम करदे सी। ते करदे करदे जदों आ जिहड़ा वड्डा जूम साडा उठिया अपना जथेबंदी दा ते सानूं भी इह मतलब लग्गिया भी असीं प्राइवेट जॉब छड्ड के ते असीं जो भी साडा हैगा असीं मतलब उस हिसाब नाल असीं गए आ। उत्थे 24 तरीक नूं असीं उत्थे चले गए आ। साडे फादर जी नाल सी, मेरे माता जी भी नाल सी ते छोटा भरा बलजीत सिंह भी नाल सी ते मेरी घर दी जो छोटी बच्ची 3.5 साल दी है। असीं टोटली सारा जिहड़ा परिवार आ असीं मतलब इह तय कर लिया भी असीं उत्थे जावांगे लगातार जिन्ने दिन भी असीं रहांगे असीं सारा परिवार रहांगे। ते उत्थे असीं 24 तरीक नूं गए आ। जदों 24 तरीक नूं गए आ साडे फादर जी भी साडे नाल ही गए आ, ट्रेन ते गए असीं। ते जे अपना उत्थे जा के अपना जदों धरने 'च असीं गए आ, सारा सिस्टम सारा चलदा रहा धरने दा। उदों बाद 'च सवेर दी गल जदों सवेरे असीं इकट्ठे सी सारा परिवार ते एक कमरे 'च बैठे सी, उत्थे साडे होरना भी अपने जथेबंदियां दे इकट्ठे सी असीं परिवार सारे। ते सवेरे इन्हां ने पिता जी उन्होंने उठ के आवाज़ दित्ती भी चाह, उन्हां दी बड़ी आदत सी भी चाह सवेरे उठ के उन्हें पीनी है। तो उत्थे ते चाह नहीं भी उत्थे ते दुध दे लंगर मतलब लगे हुए, दुध मतलब उन्हां ने दित्ता सानूं ते असीं चाह पी दुध पीता वा नाल रस रूस सारे परिवार ने खाधे आ, साडे पिता जी उन्हें भी नाल ही खाधे आ। ते उह जदों मतलब असीं इह कहा भी चलो हुण नहाउण दा अपना नहा धो के आपां जथेबंदी 'च जाणा ते जिहड़ियां औरतां दी ट्राली जिहड़ी उह पहलों तैयारी सी उहदे विच मतलब जिहड़ियां औरतां जाणियां सी ते मैं तैयारी करके ते माता जी उहनां नूं ते अपनी वाइफ नूं नाल बेटी नूं असीं ट्राली 'च बहि के असीं 12 किलोमीटर ते साडी ग्राहां जथेबंदी दा ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਜਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 10:30-11 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੁੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਗਹਿਣੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
मेरा नाम जसवंत सिंह, मैं वासी गिल्लांवाली, मौजूदा सरपंच। जिहड़ा सरदार अमरीक सिंह जिन्हां दी डैथ होई आ, ये किसान यूनियन वालों धरने ते गए दिल्ली। उन्हां दी इत्थे बठिंडे रहिंदे सी, प्राइवेट जॉब करदे सी। इन्हां दे बच्चे उन्हां नाल उत्थे रहिंदे हुंदे सी। इन्हां दा जिहड़ा बच्चा दलजीत सिंह है, ग्राह किसान जो सी जथेबंदी नाल संपर्क रखता सी, उन्हां नाल चलिया सी दिल्ली। दिल्ली गए 25 नूं गए ने, सवेरे उठ के जो उन्हें वेख्या, उन्होंने 8:30-9 बजे अपने बाप नूं उठा लैण लगे आ, तो वेखे उहदी डैथ हो गई सी। जिहड़ा अमरीक सिंह सी, इह किसानी नाल संपर्क रखता सी, तो गिल्लांवाली दा वासी सी। इह 5 भरा ने, इक इन्हां दी भैण सी। इन्हां दा बाप दा नाम दलीप सिंह सी। ये बहुत वधिया बंदे सी, इन्हां ने शमशान घाट दे विच वी दरख्त लाए सी, पिंड नाल बहुत प्यार करदे सी, ते वधिया इंसान सी। इन्हां दी जमीन जिहड़ी आ, उह 6 कराणा जमीन दे विचों अपना परिवार इन्हां पालिया। 5 इन्हां दीआं बेटियां ने, 2 इन्हां दे बेटे आ, 5 बेटियां व्याहियां इन्हां ने। इक बेटा अजे व्याहुण वाला वा, इक व्याहिया वा। मैं इन्हां दे कोई मंग रखना, मैं सेंटर सरकार अगे वी बेनती करूँगा, तो पंजाब सरकार नूं वी आखूँगा वी इन्हां नूं इक नौकरी ते 10 लाख रुपया इन्हां नूं जिहड़ा मुआवजा उह दित्ता जाए। मैं तो सेंटर मोदी साहब नूं इहो बेनती करांगा वी इन्हां नूं सेंटर दी नौकरी जिहड़ी उह दित्ती जाए, कि उह सेंटर दे मिसाल दे विच जदों आपां सेंटर दे वास्ते ही गए हन, सेंटर दे अगे धरना दित्ता। असीं इहो बेनती करांगे मोदी नूं वी, इक ते इन्हां दी जिहड़ी मंग है उह छेती तों छेती कबूल करे, तो दूजा ये परिवार को एक नौकरी दी जाए, तो नाले 10 लाख रुपया जिहड़ा मुआवजा दिता। मेरा नाम राम सिंह संधु, पिंड ध्यानपुर गुरदासपुर का रहने वाला, और मैं भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां नाल काफ़ी सालों तो जुड़िया होया हाँ। ये बड़े तगड़े वर्कर सन बजुर्ग, तो जिहड़ा इन्हां दे मतलब सेंटर दे विच गए सन धरना लाने वास्ते, उत्थे इन्हां दी डैथ हो गई आ। मेरी सरकार दे अगे, सेंटर सरकार दे अगे पुरजोर अपील आ, कि और पंजाब सरकार अगे, कि इन्हां नूं वध तो वध जिहड़ा वा वह मुआवजा 10 लाख दवाया जाए, और एक जी नूं सेंटर दी नौकरी दवाई जाए। की तुसी परेशान हो, समस्या कोई भी होवे, 100% गरंटी नाल पाओ हर परेशानी दा हल। मोहनदास शास्त्री जी 9832-09-47। मेरे कीते नूं मेरे तों इलावा कोई कट नहीं सकदा। परेशानी जिवें प्रेम ब्याह च रुकावट, प्रेमी प्रेमिका च झगड़ा, सौतन दुश्मन तों छुटकारा, विदेश च पक्का होना, कर्जा मुक्ति दे विशेष उपाय जाणो, गुप्त वशीकरण कराओ, मन चाहा प्यार पाओ, लाटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लुट्टो मैक्स, प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका इक वार जरूर संपर्क करो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। 9832-09-47।